अभी क्या गाली आ रही मुँह में, नहीं दे सकता। देखा आपने कैसे चला रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो टुडे इज डे 7 ऑफ माय राइड। सो एज यू गाइस सीन इन लास्ट व्लॉग दैट आई रीच ओडीपी। सो करंटली द टाइम इज 5:45। सो टुडेज डेस्टिनेशन विल बी कोल्हापुर, माय नेटिव प्लेस। चेन लूप हो चुकी है, बाइक इज देयर। So it's 5:55. Let's hit the road. This is the NH4 highway, and as you seen in last vlog, the hotel was on the highway. So today's total kilometer will be 512. Also, we will try to visit Murdeshwar Temple on the way here. So why not visit it? Everyone. So one thing, guys, to remember that on this road. यहाँ पे पेट्रोल पंप रात की चालू नहीं रहते। रात की अभी सुबह अराउंड 6 बज गए, फिर भी बंदी है। फ्रेंड्स, मॉर्निंग का नज़ारा देख लो बॉस। यहाँ से होने वाला है सनराइज, क्या प्यारा नज़ारा है यार। शांत सी कोकोनट ट्रीज के आइलैंड। तो आप सभी लोग सोच रहेंगे ये ओडीपी टू मुंबई डिस्टेंस सागर भाई क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ 900 किलोमीटर तो है। उसके पीछे भी एक रीज़न है। हाँ, आते वक्त हमने 900 एंड अराउंड 30 या 25 कुछ किलोमीटर्स की राइड की है वेरी फर्स्ट डे। बट अभी आप मुंबई वापस जा रहे हो और ऑन द वे आपका नेटिव प्लेस भी है, तो यार एक बार अपने लोगों से मिलना बनता है कि नहीं। आफ्टर ऑल फैमिली कम्स फर्स्ट, जा ही रहे तो सबको मिल के ही जाते हाय बोल के। फ्रेंड्स, यहाँ पे मिलेगा आपको सी, वेरी फर्स्ट साइट ऑफ द सी बॉस। कोस्टल राइड की और सी नहीं मिला, ये पहली बार आफ्टर कन्याकुमारी मैं पहली बार सी को इतने पार से देख रहा हूँ यार। और क्या साफ पानी लिख रहा है, सैंड भी बहुत साफ है। लेट मी गिव क्लोजर। वाओ, ऐसा कुछ रोड हो ना तो बॉस राइड करने में और मज़ा आता है। यहाँ पे भी कुछ काम चालू, आई थिंक रोड बड़ा करने का काम चालू है। नाही नाही नाही, ओ भाई साहब हेडलाइट तो लगाओ। ये देखो कैसे हाई बीम पे लगा के आ रहा है। सूरज भाई साहब अभी भी उस माउंटेन के पीछे है, फेस नहीं दिखा रहे। अभी फेस नहीं दिखाते और बाद में अपना फेस दिखा के हम सबको जला देते हैं यार, कितनी गर्मी से। कौन है ये? गौ माता? अरे हाँ, गौ माता है। माता क्या कर रही है, आप साइड में खड़ी रही है। लुक एट दिस व्यू, वाह एक नंबर। यहाँ पे माउंटेन पे कुछ नहीं इतना, मगर यहाँ पे इतना स्पेसिफिक एरिया पे बड़े बड़े ट्रीज है। टोल प्लाजा के लिए पूरा रोड बंद करके रखे हैं। उस साइड की लाइन को इस साइड की लास्ट लाइन से लेके जा रहे हैं, क्या बात है। क्या कर रहे हो आप एपीएम। वाह क्या कोकोनट ट्रीज है यार। सो फ्रेंड्स, लेट मी प्रेजेंट यू सन। भाई साहब बहुत पीछे की तरफ है, आई डोंट नो, देखते हैं चलो। वाह यहाँ पे दिख रही हमारी शेडो। तो फ्रेंड नॉर्मली आप क्या करते हो, यहाँ पे आओगे हॉर्न दबाओगे तो वो साइड देगा, मगर वहाँ तमिलनाडु में यहाँ पे आने के बाद ये ट्रक डायरेक्टली यहाँ से आता है। उसको भी उसकी सामने वाली गाड़ी को छोड़ के यहाँ पे आने का रहता है। अरे भाई जो पीछे वाला है मिरर में देखो, जिसने हॉर्न दिया है वो तुम्हारे बाजू में आके खड़ा है और उसी वक्त तुमको ही बाहर निकालना है। ये कैसी ड्राइविंग है यार, कौन से RTO में सिखाई जाती है या कौन से मोटर ट्रेनिंग स्कूल में सिखाई जाती है ऐसी ड्राइविंग। So I faced such a horrible experience in Tamil Nadu. The Murdeshwar temple is still 11 km from here. It will take 17 minutes. Third attempt. आपको ऐसे भी फेस होगा. This is not new to me. अभी जस्ट कैमरा चालू है तो आपको दिखा दिया. कभी कभी बाइक फर्स्ट रैंक में चालू हो जाएगी पर कभी कभी एग्जैक्टली थर्ड में होती है. इट्स नॉर्मल. इट्स ड्यू टू क्लच सेटिंग्स. पर यही चीज़ आप न्यूट्रल में चालू करोगे कभी तकलीफ नहीं आएगी. फर्स्ट रैंक में चालू हो जाएगी वो ली साइड. So friends, from here you have to take left to Murdeshwar temple. The temple is exactly 3 kilometers from here. Friends, let me give you the first glimpse of Murdeshwar temple. Wow! So friends, see where my bees reach now. Wow! Murdeshwar temple. इतना huge है वो statue. दूर से भी नजर में आ जाता है बहुत. दिस इज द टेम्पल. ये भी कितना यूज है. काश आई हैव ड्रोन विथ मी यार. शिट. नाउ लेट मी शो यू द ब्यूटीफुल सी. दिस इज द सी. दिस इज द होटल बीच. ब्यूटीफुल सी एरिया. यहाँ की सैंड भी एकदम क्लीन है. So friends, time to leave this beautiful place. यार मन तो नहीं कर रहा है. क्या प्यारे लग रहे हैं यार और कितने बड़े. काश I have drone with me यार. Shit. अगर ड्रोन रहता तो और अच्छी तरह से आपको दिखा पाता था. बोलो शंकर जी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव. बस आपकी दुआ ऐसे ही रखना हमारे ऊपर और हमारे सब पूरे सब्सक्राइबर के ऊपर. भोलेनाथ जी जरूर मिलते हैं जल्दी, बहुत जल्दी. और एक बार देख लेते हैं आपको. मन ही नहीं भर रहा है यार आपको देख के. हर हर महादेव. टेम्पल्स के लिए यहाँ से है एंट्रेंस. वो दोनों हाथी के एग्जैक्टली बीच में से. So having first tea of today's ride at this beautiful location, man. तो आई एम बैक ऑन NH66. यार भोलेनाथ जी का दर्शन लेके इतनी ऊर्जा मिली है. सब ऊर्जा यूज़ कर लेते हैं इस राइड को कंप्लीट करने के लिए. फ्रेंड्स, जस्ट लुक एट दिस व्यू. क्या छोटे 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 आइलैंड बने यार यहाँ पे. स्मॉल इस्लैंड्स. यहाँ पे तो पूरा समुंदर है. यहाँ पे है बैक वाटर्स. कौन सी रिवर है पता नहीं है. ऐसा प्यारा नज़ारा रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है. बूस्ट मिलती है राइड के लिए. तो फ्रेंड्स, गोकर्णा के पास ये रोड कुछ ऐसा है. नो डिवाइडर. स्टिल गोकर्णा इज 34 किलोमीटर साइड. भले हमें गोकर्णा नहीं जाना है. गोकर्णा के बाईपास से ही राइट लेना है टूवर्ड्स NH4. So friend, that's it. This NH66 for us. Now we have to take this Yellapur highway road. Thank you NH66. NH66 मैंने लिया था exactly कन्याकुमारी से. So कन्याकुमारी से गोकर्णा तक. Not bad. तो अब हम लगे हैं येल्लापुरी जंगल वाले रोड पे. माता गो माता गो माता. Friends, so this jungle is full ऑन जंगल है बस, बस माउंटेन्स है उसके अंदर से लेके जा रहा है, मज़ा आ रहा है चलाने में। सो फ्रेंड्स, आई एम एट डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म उत्तरा कन्नड़ा। गोकर्णा इज 33 किलोमीटर फ्रॉम वेयर आई केम। दिस रोड आई केम, स्टेट रोड गोज टू कारवार, पणजी, अंकोला, Mangalore, also this way मुर्डेश्वर we came. तो चलो we have to go this way now. So friends, अभी ये रोड बड़ा हो चुका है तो अभी अचीव करने मिलेगा स्पीड। अरे बाप रे, क्या है ये! अरे अरे अरे, गिरोगे भाई, कितना सामान ओवरलोड भरते यार ये लोग। अरे और एक फाक, कभी छोटे रास्ते पे बाजू वाले गाड़ी को लग जाएगा ये। So now we are in Arrabaila Ghat section. Sorry for wrong pronunciation. Oh shit, shoes touch हो गया मेरा। ये चूतिया लोग, विजिबिलिटी नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। बाप रे, किधर बीच में बन पड़ गया यार। आराम से बात कर रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं ना, वैसे वैसे क्लाइमेट ठंडा होते जा रहा है। स्पीड अलर्ट, स्पीड अलर्ट, स्पीड अलर्ट। फ्रेंड्स, ये वापस घाट चालू हो गया है। एक घाट उतरा नहीं, दूसरा घाट चालू हो गया। स्टिल 10 किलोमीटर्स आर टू गो ऑन दिस रोड। फ्रेंड्स, जस्ट वी पास येल्लागिरी टाउन। Now we have taken left turn and from here Belagavi is 120 kilometers and this jungle road we will have to ride for 43 kilometers. ये कितने सारे मिल रहे हैं फ्रेंड, ये देखिए। ये आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, बट इन मराठी वी कॉल वारुल एंड नहीं तो स्नेक्स। वो अपना घर बनाने के लिए ऐसी चीज़ों के अंदर रहते हैं। मगर कितने सारे आप देख लीजिए, दोनों साइड्स मिल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लास्ट मोर देन 10 मिनट्स मुझको वही दिख रहा है। ये देखिए कितना बड़ा है, ये देखिए। अरे बाप रे, 1 2 3, ये देखिए जंगल है। अच्छा, एनिमल्स के फोटोज़ दिए यहाँ पे। शेर है, एलिफेंट है, पिकॉक है, मगर पूरा जल गया है। इतनी गर्मी है ना यहाँ पे, बहुत गर्मी महसूस हो रही है। तो बेचारे एनिमल की क्या हालत होती रहेगी यहाँ पे। सो वी जस्ट क्रॉस रोड्स टुवर्ड दांडेली विलेज। पेट्रोल भी फिलअप करना ही पड़ेगा, जैसे हाईवे लगता है वैसे। So petrol rate is 74.70, 32 तक देता है, 32 मेक इट 610 बस। सो पेट्रोल है फिलअप इज फॉर 610 रुपीज 8.17। फ्रेंड्स, देख लीजिए गूगल मुझे कहाँ से लेके जा रहा है। 16 किलोमीटर चलाना है ऐसे रोड पे और NH4। चलो, कर्नाटका की गलियाँ गलियाँ घुमा रहा है। घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर गर्मी इतनी है यार। से रोड की हालत देखो यार, उस खड़ी के ऊपर से तो स्लिप हो रहा है लिटरली। फाइनली, फकिंग फाइनली, NH4 इज हियर। इट्स 12:45 took a halt at Belagavi, still exactly 100 kilometers to go. मॉर्निंग से सिर्फ चाय पी थी, उसका कुछ खाया नहीं था, कुछ नहीं था. करंटली इट्स 1:30. सो इसने तय किया कि 100 किलोमीटर जाने दो, पहले बैठ के खाना डायरेक्टली खाना खाते. सो आई एम हैविंग चिकन फ्राइड राइस. व्हाट आई विल डू, खाना सब फिनिश करता हूँ और बाइक के ऊपर मिलता हूँ. और बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, सर दुखना चालू हो गया. इतने दिन की पूरी राइड की तब हुआ नहीं, और यहाँ पे इतनी गर्मी है लिटरली. से एग्जैक्टली 2 o'clock, स्टिल हैव टू गो 100 किलोमीटर. सतारा इज 211, कोल्हापुर इज 99, निप्पानी 60, मुंबई 483. बस अब ये 400, 500, 600 कुछ नहीं लगता है, इजी टास्क लगता है. अभी फ्रेंड्स इट्स 14:52 और आप लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ हाईवे के बाजू में बैठ. सो द प्रॉब्लम इज़ बहुत धूप है, अराउंड 38 डिग्रीज दिखा रहा है फ़ोन के ऊपर ही. तो यहाँ पे जस्ट रुक के मैंने हॉट लिया था और जस्ट टायर के ऊपर हाथ रखा, तो दोनों भी टायर इतने गर्म हो चुके हैं कि हाथ लगाते हुए चटका बैठ रहा है. सोचो, मैंने दोनों भी टायर्स के अंदर नाइट्रोजन फिल किया है, फिर भी वो टायर इतने हीट हुए हैं. इफ़ उस टायर के अंदर नाइट्रोजन के बगैर नॉर्मल एयर रही थी तो आई कांट इमेजिन कितने गर्म हो जाते टायर्स. आई जस्ट थॉट टेक अ ब्रेक ऑफ 20 to 25 minutes, लेट देम कूल डाउन एंड आई विल कंटिन्यू माई जर्नी. डिस्टेंस फ्रॉम हियर इज अराउंड 81 किलोमीटर. नो इशूज़. अभी तो 3 बजने को आए, बहुत टाइम है अपने पास. इट्स ऑलवेज बेटर नॉट टू टेक योर लाइफ रिस्क विद योर व्हीकल्स, बिकॉज ये रोड्स आप देख सकते हो सीमेंट के रोड्स है, इतने गर्म हो चुके हैं बिकॉज ऑफ हीट. मैंने रोड के ऊपर भी हाथ लग के देखा, बहुत गर्म लग रहा है हाथ को, तो मैं टायर तो इमेजिन ही कर सकता. हाँ, अभी लिटरली बिहाइंड 5 से 6 किलोमीटर मैंने मोर देन 120 के ऊपर बाइक भगाई थी, मे बी उसके वजह से भी हो सकता है. फ्रेंड्स आई स्टार्टेड माई राइड अगेन, बट नाउ आई एम नॉट टेकिंग स्पीड बियॉन्ड 90. क्या व्यू है यार, सुपर यार. जो हवा जो आ रही है ना, वो भी इतनी गरम गरम हवा आ रही है, तो फेस के ऊपर ऐसे जल रहा है, ऐसे फील आ रहा है, इतनी गरम हवा है. ये भाई साहब भी वेट कर रहे थे हमारे बाजू वाले पेड़ में, वो भी वही कंप्लेंट कर रहे हैं, इतनी गर्मी है. अभी कर्नाटका आया ख़त्म होने. सो बिफोर दैट व्हाट आई विल डू, पेट्रोल फिलअप करा लूँगा यहाँ पे. 74 और 78, 4 रुपीज़ का डिफरेंस है यहाँ पे और महाराष्ट्र में पेट्रोल में. सो भाई क्यों ना चांस पे डांस मारा जाए. सो पेट्रोल रेट हियर इज 75 रुपीज़ लीटर, से महाराष्ट्र में 78 रुपीज़. जितना जाता है उतना जाता है. सो पेट्रोल रिफिल इज 5.05 ऑफ 380 रुपीज़ है क्या. पेट्रोल तो फुल किया है मगर ये बार अभी तक ऊपर ही नहीं आ रहा है, ये ऐसा भी कभी कभी होता है. वेलकम बैक टू माई विलेज फ्रेंड्स, यू कैन सी ऑल ओवर इट्स अ शुगर कैन. दैट इज़ द टिपिकल घाट इन नॉर्मल इन विलेज साइड. इट्स हैव दैट इज़ द बिग टैंक फॉर वाटर सप्लाई एंड डर्टी बफेलो गेटिंग बाथ. चलो लेट्स कंटिन्यू. We have famous Balumama Temple on my right hand side. So friend, that's it in this video. Just now reached at my village place. So this is my home. I will close this vlog here. So tomorrow I will start my journey from here to Mumbai, which will be around 475 kilometers. Exactly tomorrow, officially, my south ride will be complete once I reach home at Mumbai. So anyhow, if you guys like this video, don't forget to hit that like button. So if you have subscribed to my channel, then I request you, please, क्या कर रहे हो आप? Do subscribe to my channel. So this is Sagar signing off. Bye bye.